सो गाइस अभी हम जा रहे हैं लोनावला के लिए, जो द किनारा होटल है वहाँ रुकने वाले हैं। पुणे में, पुणे से बॉम्बे के लिए मतलब मुंबई के लिए जा रहे हैं। तो गाइस आपको मैंने बोला था, तो हम अभी मुंबई के लिए निकल चुके हैं। तो भाई कैसा लग रहा है? आप दोनों के साथ हूँ तो मजा आने वाला ही है, मेरे को भी पता है। मुझे जा रहा था मेगा हाईवे से, बट ये देखो ये बंदा मैं, इसके कारण ही मतलब ओल्ड हाईवे पे आना पड़ा। तो इसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो बोलो आप भी कमेंट करके बताओ उसको क्या पनिशमेंट दे जाए। जो द किनारा होटल है उसमें हम ट्रेन पे बैठ गए हैं। तो ये पीछे मेरा दोस्त है, ये बच्चों के लिए खेलने के लिए है, तो हम ऐसे ही मजा कर रहे हैं। तो ये देखो भाई बैठ, ओ धीरे धीरे भाई। तो ये ऑपरेट कर रहा है भाई मेरा। हाय भाई, हाय ब्रो। तो दोस्तों मजा, बहुत मजा आ रहा है। पंकज कैसा लग रहा है? If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. द किनारा होटल पे आ चुके हैं, अभी अंदर एंट्री मार चुके हैं। तो आप पीछे देख सकते हो ये होटल है, आप अभी बोल सकते हैं आपको। तो गाइज हमारा ब्लॉग का जो सब्सक्राइबर इधर मिला हमको बहुत अच्छा लगा, वो हमें ढूंढ के ढूंढ के इधर आया। तो भाई कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपके टीम वगैरह अच्छे है। मैं आपके जब से ब्लॉग स्टार्ट किया तब से देख रहा हूँ, कंटिन्यू देख रहा हूँ। मैं इधर घूमने आया था। ओके, आप दिखे मेरे को शूट करते हुए, तो मैं आ गया आपके पास। सच्ची अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। किनारा होटल पे विजिट किया है, वो कैसा लग रहा है? ऑसम है, ऑसम। होटल कैसा लगा भाई? होटल क्या रेटिंग कितना दोगे? 5 में से कितना रेटिंग दोगे? 5 में से 5 दिया तो भी चलेगा, क्योंकि इधर हर चीज है, बच्चे एंटरटेन हो जाते हैं। आप कभी लोनावला पे आए हैं तो किनारा विजिट करो, रियल में करो, रियल में करो, मतलब बेस्ट है, बेस्ट। भाई प्रॉपर कहाँ से हो? मैं पुणे से हूँ। पुणे का ही है तो मेरे आपको मिलना था, रियल में मिलना था, आज मिल गया आज। यस यस भाई, थैंक यू। तो भाई तेरे को भी मिल गया, हमको बहुत अच्छा लगा। तो गाइज अभी हम द किनारा होटल के अंदर आ चुके हैं। ये पीछे जो महल दिख रहा है उधर रूम भी मिलती है, तो हम उधर जाने वाले। ये देखो यार, ऊंट ऊंट मतलब कैमल, कैमल के साथ है। देखो गाइज इधर गौशाला है, पहाड़ के नीचे ही बनाया है, और पहाड़ के इधर ही ये लॉज है, महल जैसा है, इधर रूम मिलती है, तो हम इधर रहने वाले। तो द किनारा होटल ये जो है ये मतलब लोनावला के पास है। तो गाइस कैसा लग रहा है अभी नेचर? बहुत शानदार लग रहा है, जो फीलिंग आ रही है बता नहीं सकते, क्योंकि यार पहाड़ लोनावड़ा में है हम अभी। तो बहुत शानदार लग रहा है, सामने पहाड़ है, पहाड़ के सामने आपको ये बिल्डिंग देखने को मिलेगी, बिल्डिंग के पास में ही इधर आपको ये होटल देखने को मिलेगा। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. तो गाइस अभी फाइनली लस्सी आ चुका है, तो कितना एक्साइटमेंट था। तो ये देखो गाइस, ये देसी काउ का लस्सी है, बहुत ठंडा है, ग्लास भर के दिया है यार, इतना लस्सी पेट भरेगा ऐसा लग रहा है मेरे को यार। टेस्ट करते हैं, बढ़िया है यार, टेस्ट बढ़िया है, ओरिजिनल अमेजिंग लास्ट है। तो ये पीछे कितना ऊपर, ये नीचे का उसका ग्राउंड है जो सामने होटल है, तो इधर हम खेल सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग ऊपर रूम वगैरह कैसा है वो भी देखेंगे, खेल सकते हैं, इधर घूम सकते हैं, पूरा मतलब एंजॉय कर सकते हैं, विलेज लाइफ दे रहा है ये होटल द किनारा। तो किनारा होटल पे अगर आप लोनावला में आते हैं तो विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया होटल है, आपको लग्जरी होटल जैसे 3 स्टार वगैरह पता ही होंगे। तो रेटिंग की बात की जाए तो वो 3 स्टार जैसा ही। और हमें इसमें एक बहुत बढ़िया ये लगा कि यार उन्होंने बहुत पुरानिक मतलब ओल्ड स्टाइल का बहुत बहुत उन्होंने रखा है, एनिमल होंगे फिर बर्ड होंगे, ये लॉजेस वगैरह सब कुछ ओल्ड तरीके से, जो राजस्थानी महल वगैरह होते हैं वैसे ही उनका स्टाइल है। अभी तो मैंने खाली आधी लस्सी पी है, तभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है पेट भर गए भर गए, अभी आधा ग्लास ऐसा ही है। अभी हम जैसे होटल में आ चुके हैं।
Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. So guys, देखो पीछे ये room है. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. ये ऐसा room है इधर. और इसमें बढ़िया ये बात है भाई, देखो आप सामने गैलरी में कैसा व्यू दिखता है, वो बढ़िया है. मतलब नेचुरल सामने पहाड़ है, पहाड़ के ही नीचे ये रूम है. अभी दिखाया आपको रूम का टूर दिया, तो कैसा लगा कमेंट करके बताओ हमें. हमें तो बहुत शानदार लगा. उसकी गैलरी देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया है. जैसे व्यू आ रहा है पीछे हमारे, वो बहुत ही बढ़िया है. हम ऐसे आपको बता नहीं सकते, आपको यहाँ आना पड़ेगा इसके लिए. और आने के बाद एक बार आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. वो पूरी लकड़ी से बनाया है, सागवान की लकड़ी होती है ना, उससे बनाया है. तो मल जैसा फैल आ रहा है अंदर. तो गाइस हम अभी रूम में अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रूम है. वाह यार बहुत बढ़िया. ये देखो गाइस रूम कितना वो अच्छा है. ये सब इसका जो बेड है वो पूरा लकड़ी से बनाया है, ऐसा कोई मतलब धातु से बना नहीं है. ये देखो गाइस गाड़ी तो उसकी बहुत अच्छा है यार, मतलब बिल्कुल मजा आ रहा है. और उसका जो व्यूज है मतलब गैलरी का, वो तो मुझे सबसे अच्छा लगा. देखो गाइस हम अभी गैलरी में. हाँ भाई इसकी देखो सामने पहाड़ है और इधर का जो व्यू है बहुत अच्छा लग रहा है. और सामने ही मतलब उनकी गौशाला है. तो यार मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया इधर आके. जैसा होटल में अंदर आके ना बहुत अच्छा लगा गाइस, तो बहुत बढ़िया लगा. अब मुझे तो मतलब नहीं लगता था कि इतना बढ़िया होगा, लेकिन बहुत बढ़िया लगा. और ये सब महल जैसा बनाया है. पंकज तो फोटोग्राफी के लिए मतलब ऐसा हो रहा है ना उसका, तो गाइस क्या बताऊं. क्या कर रहे हो? एक यार मैं क्रिएटिविटी कर रहा हूँ. इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी गाइस. यहाँ एक मिरर लगाया है, तो मिरर में अपना खुद का फोटो निकाल रहा है. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. पहले रूम देखा वो छोटा था, वो इससे बड़ा है. आप देख सकते हो कितना बड़ा है. और इसकी जो गैलरी है वो भी वैसी है, मतलब पहाड़ दिखता है सामने से और व्यू दिखता है, मतलब सामने एक हाईवे की तरफ से दिख रहा है. ये रूम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो भाई कैसा है, मतलब पूरा बढ़िया है. इन रूम से तो आदमी आराम से बैठ सकते हैं, मतलब कुछ टेंशन नहीं लेते. तो बहुत अच्छा है. इधर से कॉल करके सर्विस रूम को कॉल करना, मतलब जो आपको चाहिए वो ले सकते हो. मतलब देखो ये यहाँ बहुत बड़ा टीवी भी रखा है, मतलब सबसे बड़ा टीवी भी रखा है. इधर चाय कॉफी सब फ्रिज भी नीचे से बना के कुछ भी कर सकते हैं. इधर ये देखो सबसे बढ़िया इस रूम का ये लॉकर है. तो गाइस ये पूरा मतलब लकड़ी से बनाया है. अंदर डिजिटल लॉकर भी दिया गया है. तो ये देखो पूरी मतलब सागवान ही मुझे लगता है बहुत बढ़िया लकड़ी से बनाया है. ये महल मतलब होटल जैसा महल का एक खासियत है इधर का. ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से बनाई डिजाइन है. गाइस हम अभी है ना रूम के रेस्टोरेंट में है. ये देखो पीछे बहुत बढ़िया पूरा मतलब प्रोफेशनली बनाया है. देखो जो पेड़ देख रहा है आपको, उसके आगे ही अभी गजल का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा. तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. वाह 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 मजा आ गया. रोटी नान क्या बोल रहे? रोटी आधे की है, मैदे की चीज़ तो नान है. बटर रोटी तंदूरी रोटी है. बटर तो सो गाइस एक काजू मसाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरी भाजी आ रही है, दूसरी सब्जी आ रही है. ये प्याज आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, बिल्कुल मतलब मक्खन लगा के दिए उन्होंने. तो बहुत अच्छी लगेगी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा. तो ये बढ़िया है, एक नंबर टेस्ट है. बढ़िया भाई, ऐसा मैंने टेस्ट कौन सी होटल में नहीं देखा. तो टेस्ट तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे बता रहे हैं हमारे दोनों मित्र. चलो यार मैं आपको मिलता हूँ फिर.